चलिए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें. नेक्स्ट, एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एम 3567. मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट इंप्लिकेंट्स, प्राइम इंप्लिकेंट्स एंड इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स. ओके, तो इसको हमें इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है यहां पर. और आपसे पूछा गया है कि इंप्लिकेंट्स, प्राइम इंप्लिकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स को फाइंड करें. तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें लिखिएगा नोड पॉइंट. पहले इन डेफिनेशंस की बात मैं कर लेता हूं. राइट अ नोट हियर इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने यूज किया है एक वर्ड इंप्लिकेंट. इंप्लिकेंट आपसे पूछा है ना, फाइंड इंप्लिकेंट्स. इंप्लिकेंट्स का मतलब समझते हैं क्या है. इंप्लिकेंट्स मतलब ईच मिनटर्म इज कॉल्ड इंप्लिकेंट्स. यानी कि मिनटर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्लिकेंट्स बोलते हैं. यानी ईच मिनटर्म is called implicants. यानी कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूं यहां पर, तो कितने implicants हैं, जितने मिनटम हैं, कितने मिनटम हैं, एक दो तीन चार फोर मिनटम्स हैं. यानी कि फोर implicants हैं इसके अंदर. ओके, मिनिमाइज तो हम कर ही रहे हैं, अभी सॉल्व करेंगे इसको, डोंट वरी. ओके, तो implicants कितने हैं इसके अंदर, फोर implicants हैं. चलिए पहले इसको सॉल्व करता हूं, देन आई विल डिफाइन द प्राइम इंप्लिकेंट्स. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार. तो ये तीन वेरिएबल का के मैप बनेगा यहां पर. एबीसी थ्री वेरिएबल्स हैं लाइक दिस. सो दिस इज अ थ्री वेरिएबल के मैप, A, B, C, 0, 1, यहां पर आएगा 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ओके, अब आप इसको कंबाइन करेंगे तो 3, 5, 6, 7 है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये आ गया यहां पर. अब सेल्स के कॉम्बिनेशन की बात करनी है हमको. तो सेल्स कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो ये दो सेल्स कंबाइन होकर पेयर बना लेंगे यहां पर. ओके, और ये दो सेल्स कंबाइन होके पेयर बना लेंगे यहां पर, और ये दो सेल्स कंबाइन होके पेयर बना लेंगे. इस तरह से यहां पर सेल्स को कंबाइन करेंगे. क्वाड इसमें बन नहीं रहा है. और पेयर फॉर्मेशन की जहां तक बात है तो हमने इस तरह से यहां पर पेयर फॉर्मेशन कर लिए. तो ये अब जैसे इसको लिखना है तो मिनिमाइज करके लिख देंगे हम लोग. किस तरह से लिखा जाएगा जरा आंसर करें इसको. ए बी, इसका आएगा ए बी. ये जो वर्टिकल पेयर बन रहा है इसका आंसर क्या आएगा, बीसी. और इसका आंसर आएगा ए और सी, ए सी. यानी कि मिनिमाइज्ड फॉर्म हमारे पास आया इसका, दैट इज एफ ए बी सी इक्वल टू, क्या मिल गया मिनिमाइज्ड फॉर्म, एफ ए बी सी इज इक्वल टू, फाइनली देखें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को आंसर कर लिया यहां पर. फर्स्ट पार्ट यहां पर हमारा आंसर हो गया, जिसमें आपसे पूछा था कि मिनिमाइज करो इसको. ओके, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन वाला काम हो गया. अब हमने यहां पर साथ में सीख लिए इंप्लिकेंट्स की डेफिनेशन. इंप्लिकेंट क्या है, ईच मिनटम इज कॉल्ड इंप्लिकेंट्स. यानी जितने मिनटम्स, इसमें चार मिनटम्स है, तो हम इनको बोलते हैं इंप्लिकेंट्स. अब बात करते हैं प्राइम इंप्लिकेंट्स की. प्राइम इंप्लिकेंट क्या है बेसिकली, प्राइम इंप्लिकेंट्स, प्राइम इंप्लिकेंट्स इज सिंपली नथिंग, दैट्स अ प्रोडक्ट टर्म. जैसे इंप्लिकेंट क्या है, ये भी मिनटम है, मिनटम क्या है, प्रोडक्ट टर्म है. ओके, अब प्राइम इंप्लिकेंट्स क्या है, जो प्रोडक्ट टर्म हम के मैप के मिनिमाइजेशन में फॉर्म करते हैं. जैसे ये जो प्रोडक्ट टर्म बन रहे हैं ना, ए बी, ये एक प्राइम इंप्लिकेंट्स है, बी सी ये भी एक प्राइम इंप्लिकेंट है, और ए सी भी क्या है, प्राइम इंप्लिकेंट्स है. यानी कि प्राइम इंप्लिकेंट क्या होगा, प्रोडक्ट टर्म, या ऐसे लिखें ईच प्रोडक्ट टर्म, ईच प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स. अभी मैं समझा दूं क्या मतलब है इसका. कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स,
यानी कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं यहां तक प्राइम इंप्लीकेंट्स की, तो कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स मिल गए? तीन, एक ए बी है, बी सी है, ए सी है। ओके, अब अगर जैसे इससे जो बिफोर एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें हमने जब डिस्कस किया था तो इसमें कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स, जरा बताओ। एक तो ये प्राइम इंप्लीकेंट है, एक ये प्राइम इंप्लीकेंट है, और एक ये प्राइम इंप्लीकेंट है, यानी कि इसके अंदर प्राइम इंप्लीकेंट कितने बन गए? तीन। लेकिन मिनिमाइजेशन जब हमने किया तो दो ही टर्म से काम चल रहा था, दो टर्म से मिनिमाइज फॉर्म जनरेट हो गया। लेकिन जब हमने इसमें रिडंडेंट टर्म को भी इंक्लूड किया तो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म बने उसको हम बोलते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स। यानी कि जो वर्ड मैंने यहां पर यूज किया है मैक्सिमम, उसका मतलब समझिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैंने क्या लिखा है यहां पर, बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि हम इसमें जो रिडंडेंट टर्म्स है उनको भी इंक्लूड करके बनाते हैं। यानी कि जितने पॉसिबल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं, इंक्लूडिंग जो सेल्स कंबाइंड हो चुकी हैं उनको और किसी दूसरे सेल को हमने कंबाइन कर लिया। जैसे इस एग्जाम्पल में तो इससे ज्यादा प्रोडक्ट टर्म नहीं बन सकते, अब कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे। और इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने कराया था जिसमें हमने हैज़र्ड्स की बात की थी, तो रिडंडेंट टर्म को जब हमने इंक्लूड कर लिया था तो वहां पर हमारे प्राइम इंप्लीकेंट्स बने थे तीन। तो इसमें प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने आ रहे हैं आपके, यानी कि इस एग्जाम्पल में जो हमने लिखा है तो उसके अंदर ए बी, बी सी, ये सब क्या है, प्राइम इंप्लीकेंट्स है, ए बी, बी सी, ए सी, यानी कि तीन प्राइम इंप्लीकेंट इसके अंदर है। इंप्लीकेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 3, 5, 6, 7, तीन इंप्लीकेंट्स हैं। आप इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं, थ्री मतलब क्या होगा, ए बार बी सी, फाइव मतलब ए बी बार सी, सिक्स मतलब ए बी सी बार, सेवन मतलब ए बी सी। तो ये हैं आपके इंप्लीकेंट्स, सॉरी चार इंप्लीकेंट्स हैं इसमें। हाउ मेनी इंप्लीकेंट्स, फोर इंप्लीकेंट्स हैं। कौन कौन से, ए बार बी सी, ए बी बार सी, जो ये लिखे ना हमने, ये 3, 5, 6, 7, ये सब क्या है, इंप्लीकेंट्स है। और हमने कंबाइन किया सेल्स को, अभी एग्जांपल्स में बहुत सारे इसमें लेने वाला हूं, डोंट वरी। तो उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको प्राइम इंप्लीकेंट्स की डेफिनेशन में जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। क्लियर है? सो प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट टर्म विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन के थ्रू जितने प्रोडक्ट टर्म्स हमको मिल सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्राइम इंप्लीकेंट्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वी मस्ट बी टेक केयर ऑफ कि हम उसमें केमैप के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ऑक्टेट जहां बन सकता था वहां पर हमने प्राइम इंप्लीकेंट्स बढ़ाने के लिए दो क्वाड बना दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। ऑक्टेट मींस ऑक्टेट, क्लियर है? अब ऑक्टेट नहीं बन रहा तो क्वाड पे आए, क्वाड नहीं बन रहा है तो पेयर्स पे आए। बात समझ में आ गई आपको? मिसकॉन्सेप्शन में नहीं जाना है, मैं जितना बोलता जा रहा हूं उतना ही आप समझें और आगे के एग्जांपल्स में ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आती जाएंगी। बात समझ में आ गई? यहां पर कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं, तीन। ओके, अब इसमें एक टर्म और यूज की गई है, ईपीआई, क्या बोला है उसे, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, ईपीआई। सो थर्ड डेफिनेशन लिख लें इसमें, थर्ड डेफिनेशन लिखें ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। अच्छा, ये है तो इंप्लीकेंट ही ना, है तो प्राइम इंप्लीकेंट ही, हमने क्या बोल दिया है, एसेंशियल वर्ड इसमें यूज कर लिया है। मतलब हम एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स में कौन से प्राइम इंप्लीकेंट्स को इंक्लूड करते हैं जिनको एक ही वे से कंबाइन किया जा सकता है। ओके, यानी कि अभी इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये क्रिस्टली क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। ईपीआई की डेफिनेशन में समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, सो डोंट वरी, आप ध्यान से देखते रहिएगा लेक्चर को आखिरी तक, आते जैसे कंप्लीट होगा हमारा ये टॉपिक ईपीआई आई। ओके, तो आपको एक भी चीज में डाउट नहीं रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस करंट डिस्कशन। ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, हमने क्या बोला, इट इज द प्राइम इंप्लीकेंट, इट इज द प्राइम इंप्लीकेंट्स which obtained by
यानी कि ये कौन से प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं, ये भी क्या है, एसेंशियल है, ओके, विच ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग सेल्स दोज आर एसेंशियल टू कंबाइन। यानी कि हम बोल सकते हैं EPI contains at least one cell, यानी कि एक स्क्वायर, सेल का मतलब क्या है स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये एक सेल है, तो EPI contains at least one cell which has single way to combine, single way to combine, यानी कि इसमें essential prime implicant में कम से कम एक cell ऐसी जरूर होगी, जैसे prime implicants हम जो लिख रहे हैं उन prime implicants में से हमें छांटना है कि कौन कौन से prime implicants ऐसे हैं जो essential हैं, ओके, अब हो सकता है कि सारे के सारे prime implicant essential आ जाएं, ये भी possibility है एक। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है कि उसमें से कुछ प्राइम इंप्लिकेंट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल नहीं है, तो एसेंशियल में हमें कौन से प्राइम इंप्लिकेंट्स को इंक्लूड करना है जिनके अंदर कम से कम एक सेल ऐसी है जिसके लिए वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, मतलब अगर आपने कंबाइन नहीं किया तो वो सेल आपका के मैप में इंक्लूड नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल की मैं चर्चा कर लूं यहां पर, तो इस सेल के कॉम्बिनेशन देखना, ये वाला जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ना, ये इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं व्हाइट से, क्या ये प्राइम इंप्लिकेंट एसेंशियल है? बिल्कुल एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि इसमें ये सेल वन है जो कि एक ही वे से कंबाइन हो रही है, मतलब अगर मैं ये वाला प्राइम इंप्लिकेंट नहीं बनाऊंगा तो ये सेल कंबाइन नहीं हो पाएगी, तो दिस इज द एसेंशियल वन, ये एसेंशियल है, क्लियर। अब ये प्राइम इंप्लिकेंट एसेंशियल क्या? हाँ जी बिल्कुल एसेंशियल, क्योंकि इसमें ये वाली सेल यूनिक वे में कंबाइन हो रही है, ये एसेंशियल है। ये एसेंशियल है क्या? हाँ ये भी एसेंशियल है, मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमने डिस्कस किया है अभी जस्ट रिसेंट, उसमें सभी ए बी बी सी ए सी ये तीनों ही क्या है, इसेंशियल है, ईपीआई है, ओके। अब एक एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी जो सॉल्व कर लिया है उस पर आते हैं वापस से, जैसे ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी ये, अब इसमें आप लोग फाइंड करके मुझे बताओ आईपीआई ईपीआई की वैल्यूज को, चलो आंसर करते हैं इंप्लिकेंट्स। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको फंडामेंटली और क्लियरिटी मिलेगी, समझे जरा इंप्लिकेंट्स कितने हैं। इंप्लिकेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, ईच मिनटम इज कॉल्ड इंप्लिकेंट्स, यानी जितने मिनटम्स उतने ही इंप्लिकेंट्स, 1 2 3 6 कितने इंप्लिकेंट्स हो गए, 4 इंप्लिकेंट्स हैं, 4 आपसे पूछे कौन कौन से हैं 4, तो लिख दें 1 मतलब क्या आएगा ए बार बी बार सी, 2 मतलब ए बार बी सी बार, 3 मतलब ए बार बी सी, 6 मतलब ए बी सी बार, ये क्या है 4 इंप्लिकेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं कितने प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं, अब आ जाओ के मैप में प्राइम इंप्लिकेंट्स छांटने हमको, कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देखो टर्म दो टर्म से काम हो गया वैसे तो, लेकिन ये भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, ये भी क्या हो रहा है इसमें कंबाइंड हो रहा है, सो हाउ मेनी प्राइम इंप्लिकेंट्स, कितने हुए प्राइम इंप्लिकेंट्स इसके अंदर, 3, कौन कौन से, ए बार सी प्राइम इंप्लिकेंट है, ओके, बी सी बार प्राइम इंप्लिकेंट है, और जो ए बार बी हमने लिखा है दैट इज ऑल्सो प्राइम इंप्लिकेंट्स। क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं इसके अंदर, जी नहीं, कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, तो ये 3 प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं। अब इन तीनों में से, सुनना मेरी बात ध्यान से, इन तीनों में से कितने एसेंशियल हैं, मतलब कितने ऐसे प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं जिनका होना जरूरी था, ये अगर नहीं होते तो के मैप एग्जीक्यूट ही नहीं होता, मतलब के मैप का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ही नहीं मिलता हमको। कौन कौन से ऐसे इंप्लिकेंट्स हैं जो प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं जो एसेंशियल हैं, क्या ये एसेंशियल है जो मैंने इस तरह से यहां पर ग्रीन से लिखा है, एसेंशियल है क्या ये, बिल्कुल एसेंशियल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक सेल ऐसी है जो एक ही तरीके से कंबाइंड हो सकती थी, यानी कि बी सी बार एक एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट है, ओके। अब बात करते हैं ए बार सी, क्या ये एसेंशियल है, हाँ बिल्कुल एसेंशियल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक वन सेल ऐसी है जो एक ही वे में कंबाइंड हो रही है,
तो हमारा जो ए बार सी है वो भी एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। अब जरा बात करते हैं ए बार बी की। ए बार बी क्या एसेंशियल है? नहीं है एसेंशियल। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बार बी का एक एलिमेंट है ये वन, एक एलिमेंट है ये वन। अगर हम देखें इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कॉम्बिनेशन इस पर डिपेंडेंट हो। इस पेयर फॉर्मेशन को अगर मैं नहीं करूं, कोई भी सेल ऐसी नहीं है जो कॉम्बिनेशन से रह जाए, तो मतलब ये हमारा एसेंशियल नहीं है। तो एसेंशियल कितने इसके अंदर? सिर्फ दो एसेंशियल है। अब थोड़ा सा आपको डेफिनेशन का आइडिया मिल गया होगा। इंप्लीकेंट्स मतलब मिन टर्म, सिंपल कॉम्बिनेशन। प्राइम इंप्लीकेंट्स मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म जितने बन सकते हैं, रूल्स का ध्यान रखते हुए जितने बन सकते हैं वो प्राइम इंप्लीकेंट्स। उन प्राइम इंप्लीकेंट्स में से कौन से ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सेल ऐसी है जो यूनिक वे में कंबाइन हो रही है, उसे हम बोलते हैं ईपीआई। यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा लॉजिकल एक्सप्रेशन में आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स वो इंप्लीकेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी था, नहीं तो कोई सेल छूट जाएगा वहां पर, जो सेल हम छोड़ नहीं सकते हैं केमैप में। चलिए अब मैंने और एग्जांपल्स इसमें लिखे हैं, तो उन एग्जांपल की हेल्प से आपको काफी कुछ इसमें समझ में आएगा। तो पहले हमने इसको आंसर कर लिया है, इसका आंसर आ गया सभी का। इंप्लीकेंट्स मैंने कितने बताए इसमें? जितने मिनटम है यानी कि चार इंप्लीकेंट है। कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स बने इसमें? एक दो तीन, तीन प्राइम इंप्लीकेंट्स बन गए। ओके, हाउ मेनी ऑफ देम आर एसेंशियल? ऑल थ्री आर एसेंशियल। तो ये आंसर आ गया हमारे पास आईपीआई ईपीआई का। अब अभी हमें ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इसमें लाइन से कराने वाला हूं, सो डोंट वरी, आपको धीरे धीरे करके इनमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी इनकी डेफिनेशन। शुरू में बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं ये, शुरुआत में बिल्कुल आपको जैसे मैंने डेफिनेशन बताई होगी तो थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा आपका कि क्या पता कैसे इनको फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ा है नेक्स्ट, एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दिया है सिग्मा एम 1367, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आईपीआई ईपीआई। आईपीआई ईपीआई आपको फाइंड करना है इसके अंदर। चलिए सब लोग स्क्रीन को रोक दें पहले और एक बार ट्राई जरूर करें सब लोग। सिग्मा एम 1367 दिया है, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसे एक बार, आई थिंक सो, और आंसर आपका आ गया होगा। अब सब लोग जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो एक बार आईपीआई ईपीआई भी करें। पहले तो आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, फिर आईपीआई ईपीआई की वैल्यूज भी बतानी है। पहले सब लोग मिनिमाइजेशन कर लें इसका, एक्सप्रेशन का जैसा पूछा गया है वैसा। ओके, मिनिमाइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में? आईपीआई ईपीआई के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये वेरिएबल ए हो गया, ये बी सी मान लिया, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके इतना यहां तक पहुंच गए। अब देखिए सिग्मा स्मॉल एम 1367 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ये हमने लिख लिया है इसका के मैप रिप्रेजेंटेशन। अब जरा मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम वही ट्राई करते हैं हमेशा, ऑक्टेट नहीं बन रहा तो रहने दो, क्वाड बन सकता है क्या? सोचो जरा क्वाड बन रहा है क्या? क्वाड नहीं बन रहा है। अब इसमें क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन गया। इसका आंसर बता दो क्या आएगा जल्दी से इस पेयर का। अभी मिनिमाइजेशन पर फोकस कर रहा हूं, अभी बात करेंगे हम लोग आईपीआई ईपीआई की, डोंट वरी। देखिए अब हमने देखा क्या है मिनिमाइजेशन, ये ए है और दूसरा बी, तो क्या आ गया यहां पर? ए बी आ गया, बहुत बढ़िया, ए बी आ गया। अब इसको हमने कंबाइन किया यहां पर इस सेल के कॉम्बिनेशन को, अब इससे क्या आंसर आएगा जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा? एक तो ए बार है जो चेंज नहीं हो रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल में, और दूसरा सी है, तो क्या आएगा? ए बार सी। मतलब अगर आपको इसका प्रॉपर मिनिमाइज फॉर्म लिखना है तो आंसर मिल चुका है। क्या है आंसर बताएं? एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू, हमको क्या बोला है? मिनिमाइजेशन करो इसका। तो मिनिमाइज फॉर्म क्या आ गया? ये आ गया, ये मिनिमाइज फॉर्म है, ए बी प्लस ए बार सी। इसके आगे ये मिनिमाइज नहीं हो पाएगा,
ये क्या गया, इसका मिनिमाइज फॉर्म मिल चुका है। ओके, ये आ गया इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म ए बी प्लस ए बार सी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट्स एंड इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स की। इंप्लीकेंट्स कितने हैं, इंप्लीमेंट्स, तो इंप्लीकेंट्स का तो ये है कि क्वेश्चन देखो और आंसर कर दो, गेम अब तक जाने की जरूरत ही नहीं। कितने इंप्लीकेंट्स है, एक दो तीन चार, जितने मिनटम है उतने ही इंप्लीकेंट्स। इंप्लीकेंट्स इज लाइक अ सिनोनिम फॉर मिनटम, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो इंप्लीकेंट्स और मिनटम क्या है, एक ही चीज है। कितने हैं, फोर। अच्छा कौन कौन से हैं लिखे हुए, वन यानी कि ए बार बी बार सी कॉमा, थ्री यानी कि ए बार बी सी, सिक्स यानी कि ए बी सी बार एंड ए बी सी, ये हो गए इंप्लीकेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन इस पे दो तरह से आता है, या तो नंबर पूछ लेते हैं, वो ईसी में भी आए हैं क्वेश्चन इस पे, इलेक्ट्रिकल में भी आए हैं और आईएन में आए हैं। अगर फ्रीक्वेंटली आस्किंग की बात करते हैं तो ईसी में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन में कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा नहीं कभी आए नहीं, आए हैं क्वेश्चन इस पे। ओके, तो ये यहां पर हो गया ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी सी बार ए बी सी, चार इंप्लीकेंट मिल गए हमको। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्राइम इंप्लीकेंट्स की। प्राइम इंप्लीकेंट्स जरा देखो कितने हैं, प्राइम इंप्लीकेंट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स, कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अच्छा दो तो इसमें दिख ही रहे हैं, तो वो दो तो मैं लिख ही देता हूं पहले, कौन कौन से दिख रहे हैं मुझे यहां पर। एक तो मुझे दिख गया यहां पर ए बार सी, एक लिखा हुआ है ए बी। क्या यही दो प्राइम इंप्लीकेंट्स है, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या, सोचो सोचो आंसर करो। बिल्कुल बन सकते हैं, कहां बन रहा है, एक एक ये भी बिल्कुल बन रहा है, इसको हम कैसे छोड़ दें, कितना बना, ये बन गया बीसी। अच्छा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ध्यान रखना है रूल्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते। आप क्वाड को पेयर नहीं बना सकते, पेयर से सिंगल सेल नहीं बना सकते, ये चीज ध्यान रखना है। तो रूल्स को ब्रेक करके मैक्सिमम सेल कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम सेल कॉम्बिनेशन का यहां पर मतलब है कि जो सेल ऑलरेडी कंबाइंड हो चुके हैं उनको भी हमने यूटिलाइज करके कुछ बना दिया। क्लियर है सभी को, तो ये एक और बन गया कॉमा बीसी। अच्छा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको, जल्दी से सोच के बताओ, कोई दिख रहा है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है तो आंसर करें, नहीं है कोई भी, है ना। तो प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हो गए, तीन। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसेंशियल कितने हैं इसमें से, आउट ऑफ थ्री प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हैं इसेंशियल। इसेंशियल मतलब कम से कम एक सेल ऐसी होना चाहिए उस कॉम्बिनेशन के अंदर, उस प्रोडक्ट टर्म के अंदर, जिसको सिर्फ एक ही तरीके से कंबाइन किया जा सकता था। मतलब एक तरह से बोलते हैं ना इसको, इस सेल के इस सेल के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी था, एक सेल कम से कम ऐसी हो हमारे पास। जैसे ए बी वाला है तो इसमें ये वाली सेल ऐसी है जिसको एक ही तरीके से कंबाइन किया है हमने, मल्टीपल वे में कंबाइन नहीं हो रही है। ओके, तो ये इसेंशियल में आएगा, ए बी हमारा क्या है, इसेंशियल है। ओके, दूसरा कौन सा इसेंशियल है, ये ए बार सी, क्योंकि इसमें ये वाली सेल ऐसी है जो एक ही वे में कंबाइन हो रही है, यानी कि दिस ए बार सी इज ऑल्सो इसेंशियल। क्या ये बीसी इसेंशियल है, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है बीसी इसेंशियल, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट जो है वन, वो दोनों ही मल्टीपल वे में कंबाइन हो रहे हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज इसेंशियल। तो इसमें ईपीआई कितने आ गए हमारे पास, ईपीआई इक्वल टू आ गए टू। अब मुझे यहां तक लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो इसमें हो गए होंगे ईपीआई ईपीआई की कैलकुलेशन में। मिनिमाइजेशन करना बड़ा आसान है, मिनिमाइजेशन हमने किया पहले, फिर मिनिमाइज्ड फॉर्म हमारे पास जो आया है उसमें हम ढूंढते हैं कितने इसेंशियल है, कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं और कितने इंप्लीकेंट्स हैं। तो इंप्लीकेंट्स ढूंढने के लिए तो आपको मिनिमाइजेशन तक जाने की जरूरत है नहीं, है ना, इंप्लीकेंट्स तो ऐसे मिल जाएगा आपको, जो मिनटम है वही इंप्लीकेंट्स है। क्लियर है, चलिए अब इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं काफी क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं, सो डोंट वरी, आपको आखिरी तक आते हैं तो बिल्कुल ये सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आने वाली है, सो डोंट बी गेट पैनिक। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को, आगे बढ़ना चाहिए हमको, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करें क्वेश्चन को ध्यान से, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू दिया है सिग्मा स्मॉल एम 01367, मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट आई पी आई ई पी आई। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सभी को,
चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्रीन को रोक दें, है ना, सब लोग जिन्होंने एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। मैं चाहूंगा कि जो लोग शुरू से KMIP क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबको इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना चाहिए एक बार, और आई होप कि आपसे ये बन जाएगा। तो सब लोग स्क्रीन को रोक के सॉल्व कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए, समझना इसको। आपका जो आंसर आया है उसे आप मैच करें, जो भी आंसर आया होगा आपका। जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो ये है। सिग्मा एम 01367 जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये बन गया हमारा KMAP। ओके, KMAP का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमें देखना है वही सीक्वेंस है, ऑक्टेट क्वाड पेयर जो बन सकता है, सिंगल सेल कुछ नहीं बना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ट्राई देखते हैं भाई। ऑक्टेट तो बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें बनने के, क्वाड ही ढूंढ लेते हैं। क्वाड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा कोई क्वाड, है ना, क्लियर है क्वाड नहीं बन रहा है इसके अंदर। अब हमें क्वाड नहीं बन रहा तो क्या करें, पेयर बना देंगे। ये एक पेयर बन गया, ओके है ये पेयर, एक पेयर ये बन गया, बिल्कुल सही। दूसरा पेयर कहां से बन जाएगा, एक पेयर ये बन गया। तो मिनिमाइजेशन के लिए तो हमारे पास खूब डेटा आ गया, बहुत है इतना मिनिमाइजेशन करने के लिए, क्योंकि सारे सेल कंबाइंड हो गए, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो बच गया हो। ओके, सेल मतलब जो स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज सेल। कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो बच गया हो, सभी सेल कंबाइंड हो चुके हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारा मिनिमाइज्ड फॉर्म तो बन गया। क्या आंसर आएगा जरा बताएं, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, अब इस सेल की वैल्यू कितनी है, ए बी, एम आई राइट और नॉट, क्या ये सही है, ए बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्या आएगा, ए बार सी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ए बार बी बार, मतलब मिनिमाइज रिजल्ट आया है हमारे पास वो है ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी, ये आंसर आ गया। दिस इज द मिनिमाइज रिजल्ट जो कि पूछा गया था इसमें, मिनिमाइज करना है ना लॉजिकल एक्सप्रेशन को। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपको बोला है कि भाई बताओ आईपीआई ईपीआई की क्या गणित जारी है, तो आईपीआई की वैल्यू पूछी, तो पहले आई लिख देते हैं। आई क्या है, आई में तो कोई दिमाग लगा नहीं है, इंप्लीकेंट्स यानी कि मिनटम्स, एक दो तीन चार पांच, फाइव मिनटम्स हैं, पांच इंप्लीकेंट्स हैं। वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जीरो 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 यानी कि ए बार बी बार सी बार, कुछ नहीं, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म लिख देता हूं, है ना, वही इंप्लीकेंट्स हैं, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी सी बार, ए बी सी, तो ये आ गए आपके पास पांच इंप्लीकेंट्स। अब बात कर लेते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स कितने हैं। प्राइम इंप्लीकेंट्स मतलब मैक्सिमम सेल के कॉम्बिनेशन, तो कुछ तो इसमें दिख ही रहा डायरेक्ट, कौन कौन से, ए बी ए बार सी, ए बी है, ओके ए बार सी है, बहुत बढ़िया, और ए बार बी बार है। क्या इतने ही मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है या फिर और भी बन सकते हैं, सोच के आंसर करें, क्या और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें बनाए जा सकते हैं क्या, रियलाइज दिस एंड दैट आंसर, बिल्कुल बन सकता है। एक ये बन गया, एक और बन गया कॉम्बिनेशन यहां पर, तो ये कॉम्बिनेशन इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, बीसी। तो क्या और भी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको इसमें, सोचें और आंसर करें, क्या कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें बनता दिख रहा है आपको, जल्दी से आंसर करें, नहीं बन रहा है कोई भी। चलिए तो एक क्या बन गया यहां पर, बीसी। तो कितने हमारे पास प्राइम इंप्लीकेंट्स आ गए, एक दो तीन चार, चार प्राइम इंप्लीकेंट्स आ गए, एंड उन चार में से कितने ऐसे हैं जो इसेंशियल हैं, कौन कौन से इसेंशियल है, जल्दी से बताओ कौन कौन से इसेंशियल है, एक तो ये इसेंशियल है, दूसरा क्योंकि इसमें ये सेल है जो सिंगल वे में कंबाइन हो रहा है, और ये भी क्या है इसेंशियल है क्योंकि इसमें ये सेल है जो सिंगल वे में कंबाइंड हो रहा है। ओके, अब क्या ये इसेंशियल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर यही आंसर करना, ये इसेंशियल है, मैंने बोल दिया ए बी इसेंशियल है,
आपको भी बिल्कुल सही लग रहा होगा, ए भी इसेंशियल है, बिल्कुल सही आंसर है ये। दूसरा हमारा ए बार बी बार भी इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। अब जरा बताओ क्या ए बार सी इसेंशियल में आएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सेल ऐसे हैं जो मल्टीपल वे में कंबाइन हो रहे हैं। इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होने के लिए जरूरी है, चाहे वो क्वाड बना रहे हो या हम ऑक्टेट बना रहे हो या पेयर बना रहे हो, चाहे सिंगल सेल ही क्यों ना हो, वो जरूरी है कि वहां पर एक एलिमेंट कम से कम ऐसा हो जो एक ही तरीके से कंबाइंड हो सकता है। मतलब इसमें तो दोनों एलिमेंट ऐसे जो मल्टीपल वे में कंबाइंड हो रहे हैं, मतलब ए बार सी इसेंशियल नहीं है। व्हाट अबाउट बी सी? बी सी इज ऑल्सो नॉट एसेंशियल। वाई? क्यों? क्योंकि इसके दोनों सेल्स ही ऐसे हैं जो मल्टीपल वे में कंबाइंड हो रहे हैं, यानी कि इन चारों में से सिर्फ दो ही ऐसे हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स जो एसेंशियल है। अब मुझे लगता है कि डेफिनेशन आपको और अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो चुकी होगी। क्लियर है सभी को? अभी भी हम नहीं रुक रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, सब लोग रेडी हो जाना पेपर पेन लेके, और आपको आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए।